मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। एक मशहूर गाने की पंक्ति है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। 10 सालों में राजनीति बदल गई, चेहरे बदल गए, सियासत का समय चक्र 360 डिग्री पर घूम गया, लेकिन एक शख्स की आवाज वक्त के गर्द में गुम नहीं हुई। 10 सालों से वो सक्रिय राजनीति की चौहद्दी में नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत कभी कम नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी भाषा की जादूगरी और भाषण के अंदाज ने सियासत का करिश्माई ध्रुवतारा बना दिया। बार बार इस चर्चा में स्वर्जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा। जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। आज सिंधु में द्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कणकण पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों की मेली में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद। ये विश्वासघात की कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। इतिहास बदला जा सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता, ज्योग्राफी नहीं बदली जा सकती। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। क्यों? तो अच्छे पड़ोसी के नाते रहे। एक नहीं, दो नहीं, करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता,
अगणित बलिदान और से अर्जित यह स्वतंत्रता शिवेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता दुखी मनुजता के हितु अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल पूरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट इनसेंसिटिव इररिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजनली करप्ट। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं? इनकॉम्पिटेंट इनसेंसिटिव इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला कि किस तरह से राती रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे थककर चूर थे तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई, पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था?
क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। कहते हैं कि सियासत में कोई करिश्मा नहीं होता, लेकिन राजनीति का अंदाज किसी करिश्मे से कम नहीं होता। हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाएगा तो करिश्माई नेताओं की फहरिस्त अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के बगैर हमेशा अधूरी होगी। नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों के बाद वाजपेयी भारत के ऐसे पहले सियासतदान रहे जो सिर्फ अपने नाम, शख्सियत और करिश्मे के बूते दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। जो कुछ हो सबके सामने हो, पारदर्शी प्रामाणिकता, दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आए, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपए जमा किया जाए इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 77 का और 89 का फिर से न दोहराया जाए, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, ये संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि वो समर्थन देती है और फिर वापस लेती है।